नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम सिर्फ 500 रुपए की SIP करके करोड़पति बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे हम बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि सिर्फ 500 रुपए की SIP से हम करोड़पति कैसे बन सकते हैं, तो बिल्कुल ये मुमकिन है, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड देखिए, करोड़पति बनने का सपना किसका नहीं होता है। आज के तारीख में हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हर कोई अपने लाइफ में करोड़पति बनना चाहता है। तो और जो 500 रुपए की जो बात है, आजकल 500 रुपए हर कोई बचा सकता है अपनी मंथली इनकम में से, और वो भी इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। जिसकी सैलरी 10,000 रुपए होंगी, 8,000 रुपए होंगी, वो भी अपनी मंथली इनकम में से 500 रुपए इजीली बचा सकता है और वो भी इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकता है। तो कैसे हम ये बन सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं SIP प्लानर में। ये एक SIP प्लानर ऐप है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम सिर्फ 500 रुपए मंथली इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं, 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बना सकते हैं। ये जो ऐप है, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे SIP कैलकुलेटर पे क्लिक कर रहा हूँ, जो कि पहला ही नंबर पे है। ठीक है, SIP कैलकुलेटर पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे हमको जो मंथली इन्वेस्ट करना है वो करना है 500 रुपया पर मंथ। ठीक है, अब हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको जो स्टॉक मार्केट में, जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में जो अभी तक की हिस्ट्री में जो रिटर्न मिला है वो 17% का एवरेज रिटर्न मिला है। ठीक है, तो हम 17% के लालच में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जो रियलिस्टिक रिटर्न पकड़ेंगे, हम मान के चलेंगे कि म्यूचुअल फंड में हमें 14% का हर साल रिटर्न मिलेगा ऑन एन एवरेज बेसिस पे, जबकि शेयर मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का रिटर्न दिया है और हम सिर्फ 14% पकड़ के चल रहे हैं। तो हम ज़्यादा रिटर्न पकड़ के नहीं चल रहे, हम रियलिस्टिक रिटर्न पकड़ के चल रहे हैं, कोई अनरियलिस्टिक रिटर्न ये है ही नहीं 14% का। ठीक है, हम जो पैसा निवेश करेंगे 500 रुपये हर महीना, ये कितने सालों तक करेंगे, तो फ्रेंड्स ये करेंगे हम 40 सालों तक। क्यों हम इसको 40 सालों तक कर रहे हैं, मतलब ये 40 साल तो बहुत ज़्यादा पीरियड लगता है, क्योंकि हमारा जो पैसा है वो कम है, मंथली हम सिर्फ 500 रुपये ही डाल रहे हैं, हम कम पैसा डाल रहे हैं, इसीलिए हमें ज़्यादा टाइम तक पैसा निवेश करना पड़ रहा है, ज़्यादा सालों तक पैसा निवेश करना पड़ रहा है करोड़ रुपये पहुँचने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं, महीने का हमें 500 रुपये डालना है, 14% के रिटर्न के हिसाब से हमें पैसा मिलेगा और 40 साल तक ये पैसा डालना है। तो अभी मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ, मैंने कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया, तो फ्रेंड्स देखिए कितना पैसा बनता है। ऊपर में लिखा हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट विल बी 1,13,07,592 रुपीज़ आफ्टर मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹500 फॉर टेनर ऑफ 40 ईयर्स। मतलब 40 सालों में आपका जो पैसा बना है वो बना है 1,13,07,592 रुपये। आपका इन्वेस्ट कितना हुआ पैसा, मतलब आपके जेब से जो पैसा गया वो कितना गया, वो गया 2,40,000 रुपये। मतलब 2,40,000 रुपये आपके जेब से गया और बदले में आपको 1,13,07,000 रुपये मिला। तो फ्रेंड्स ये पैसा इतना ज़्यादा कैसे बना हुआ है, इतना ज़्यादा सिर्फ 500 रुपये मंथली SIP करके इतना ज़्यादा पैसे कैसे बना। तो फ्रेंड्स ये जो पैसा बना है ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से बना है, और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बोला है, और वाकई में ये 8वां अजूबा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से पैसा कैसे बढ़ता है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, बाजू में शेड्यूल लिखा हुआ है, शेड्यूल पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पैसा आपका कैसा 40 सालों में बना है। ठीक है, जैसे कि 2019 से आपने शुरुआत की, 2019 में आपका जो पैसा बना हुआ है 500 रुपये आपने डाले, सिर्फ 506 रुपये, क्योंकि अभी दिसंबर चल रहा है, मतलब एंडिंग को ईयरली कैलेंडर ईयर वाइज दिखा रहा है। ठीक है, 2019 में, अभी मैं थोड़ा 2020 में आपके कितने पैसे बन गए, 7,056 रुपये। 2021 में आपके कितने बन गए, 14,585 रुपये। मैं आपको 2025 का दिखा देता हूँ, 2025 में आपके कितने पैसे बन गए, 57,753 रुपये। 2030 में आपके कितने पैसे बन गए, 2030 में आपके 1,59,430 रुपये बन गए। 2035 में आपके कितने पैसे बन गए, 3,63,355 रुपये आपके बन गए। 2040 में आपके कितने पैसे बन गए, 7,72,348 रुपये बन गए। 2045 में आपके कितने पैसे बन गए, 15,92,629 रुपये बन गए। 2050 में आपके कितने पैसे बन गए, 32,37,792 रुपये बन गए। 2055 में आपके कितने पैसे बन गए, 65,37,349 रुपये बन गए। 2060 में आपके कितने पैसे बन गए, 2060 मतलब आपके यहाँ पे 40 साल कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे आपके कितने पैसे बन गए, 1,13,07,592 रुपये बन गए। तो फ्रेंड्स देखा आपने कि जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ते चले जा रहा है, आपका पैसा उतने ही तेजी से मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए आप, देखिए आपका पैसा, देखिए 2055 में देखिए कितना था, सिर्फ 65 लाख था, और वो 5 साल में ही, मतलब 2059 में ही वो 1 करोड़ के पार पहुंच गया। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट ऐसा मिलता है कि जितनी लंबी आपकी SIP चलती है उतना ही ज़्यादा पैसा आपका मल्टीप्लाई होते चले जाता है, और उतना ही ज़्यादा पैसे आपके बनते चले जाते हैं। तो SIP में अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आपको लंबी SIP चलानी चाहिए, और ये हम लंबी ही SIP चला रहे हैं, 40 साल के लिए हम SIP कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत बड़ी हमारी कमाई हो रही है सिर्फ 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके
हम 1 करोड़ रुपए के भी ऊपर यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। अब फ्रेंड्स सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो रिटर्न अभी तक मिले स्टॉक मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया कि 17% तक अभी तक स्टॉक मार्केट ने अभी तक हिस्ट्री में एवरेज रिटर्न दिया है, तो आगे क्या गारंटी है कि स्टॉक मार्केट आगे भी ये रिटर्न देगा? हम जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, आगे के लिए लगा रहे हैं। अभी तक कोई स्टॉक मार्केट में पैसा बन चुका है, म्यूचुअल फंड में भी पैसा बन चुका है, बट आगे भी बनेगा, इसकी क्या गारंटी है? तो फ्रेंड्स देखिए, आगे भी बिल्कुल ही शेयर मार्केट में पैसा बनेगा, दैट मीन्स आपके म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो शेयर मार्केट में लगता है, ठीक है। जैसा जैसा शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, आपका म्यूचुअल फंड का पैसा भी ऊपर जाएगा। अब शेयर मार्केट कब ऊपर जाता है? जो शेयर मार्केट में कंपनी है, जितनी भी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड है, वो जैसे जैसे प्रॉफिट्स करेंगी वैसा वैसा शेयर मार्केट ऊपर जाता है। और वो जो कंपनीज है शेयर मार्केट में, वो प्रॉफिट्स कब करती है? जब उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं तब वो प्रॉफिट करती है। उनके प्रोडक्ट कब सेल होते हैं? जब हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तब उनके प्रोडक्ट सेल होते हैं। हम वो प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें उन प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जैसे कि मैं टूथपेस्ट खरीदता हूँ, तो मैं ब्रश करना तो कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, इसलिए मैं टूथपेस्ट तो हमेशा ही खरीदूंगा। मैं चप्पल जूते तो हमेशा खरीदता रहूँगा, क्योंकि मैं चप्पल जूते तो हम पहनना बंद करने वाला नहीं हूँ, ठीक है। गाड़ी चलाना लोग बंद करने वाले नहीं है, तो लोग गाड़ी खरीदते रहेंगे, ठीक है। साबुन खरीदते रहेंगे लोग, क्योंकि नहाना बंद करने वाले नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जो कंपनियाँ बनाती हैं, वो लोग हमेशा खरीदते हैं अभी तक, और आगे भी खरीदते रहेंगे। लोग ये चीज़ बंद नहीं करने वाले खरीदना, इसीलिए कंपनियाँ भी चलते रहेंगी, इनका प्रॉफिट्स भी होते रहेगा, और ये लोग प्रॉफिट्स करते रहेंगे, और वैसे वैसे इनके शेयर्स के प्राइस ऊपर चले जाएंगे और शेयर मार्केट भी ऊपर जाएगा। और उसी की वजह से आपका जो म्यूचुअल फंड है वहाँ पे भी पैसा आपका बनेगा, निश्चित बनेगा। और इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, जब तक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तब तक शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज़्यादा पैसा बनने वाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको गंवाना नहीं चाहिए, और सिर्फ 500 रुपये से एटलीस्ट आपको SIP शुरू करना चाहिए और अमीर बनने की तरफ कदम जरूर बढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम सिर्फ 500 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपया, मतलब 1 करोड़ रुपए तो इजीली बना सकते हैं। अब जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा पैसा आपका बनेगा। अगर आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, 2000 रुपये करोगे, 5000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करोगे, तो उतना ज़्यादा पैसा आपका बनेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।